अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही खुश होंगे। आज हम ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाएंगे। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड की स्पेशलिटी है, तो मुझसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने फरमाइश की थी कि रेसिपी शेयर करें, तो आज वो बनाएंगे और मैं सिर्फ देखूँगी। इंग्रीडियंट्स मैं आपको बता देती हूँ, ये वो डाल के रख गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या लिया है उन्होंने। ये लाल मिर्च पाउडर है तकरीबन 2 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला है 1/2 टीस्पून होगा तकरीबन, साबित ज़ीरा है 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च है तकरीबन 1/2 टीस्पून, और ये धनिया है जिसको उन्होंने मोटा मोटा कूट लिया है, मतलब ये पिसा हुआ नहीं है, मोटा मोटा कुटा हुआ है। ये एक पैक योगर्ट का है, इसमें तकरीबन 170 या 180 ग्राम योगर्ट होता है। 1 kg चिकन है जिसको मैंने अच्छी तरह पीसीज में काट के रख दिया है, और ये 2 लार्ज साइज़ के टमाटर और 2 लार्ज साइज़ के अनियन और तकरीबन 6-7 क्लोव गार्लिक के उन्होंने ग्राइंड कर लिए हैं अच्छी तरह, बिल्कुल पेस्ट इसका बना लिया है। और हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा, मैं आजकल कैनोला ऑयल यूज़ करती हूँ, आप लोग भी यही यूज़ करें क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट वो क्या कर। तो अब वो सबसे पहले योगर्ट के साथ चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं। साथ ही तमाम मसाले भी इसमें डाल देंगे। ये तमाम मसाले डाल के अच्छी तरह चिकन पे वो लगा रहे हैं इस वक्त और मैरिनेट करके। कितनी देर के लिए आप रखेंगे शेफ इन्हें? 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे। फिर 15 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। ये 15 मिनट मैरिनेट करने के बाद उन्होंने साथ ही ये जो पेस्ट उन्होंने बनाया हुआ था टमाटोज़ का, अनियन का और गार्लिक का, वो भी उन्होंने इसी चिकन में डाल दिया है। और अब ये मैरिनेट इसको करके 15 मिनट मज़ीद रख देंगे। तो 15 मिनट बाद देखते हैं कि फिर नेक्स्ट क्या करना है। चिकन की मैरिनेशन को 15 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। ठंडे ऑयल में चिकन नहीं डालना है, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अभी ये तमाम मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल देंगे। अब इसको ढक के पकने देंगे जब तक इसका तमाम पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको हिलाएंगे और उसके बाद ढक के इसको पकने देंगे तकरीबन 10-15 मिनट। उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये देखें व्यूअर्स, 15 मिनट पकाने के बाद इस वक्त इस चिकन का पानी सारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे और इसके साथ ये थोड़ा सा जिंजर जुलियन कट है, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ हैं और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया काट के रखा हुआ है। पहले इसको अच्छी तरह भूनेंगे और उसके बाद ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें चिकन हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें अदरक, हरी मिर्च और धनिया डाल देंगे। चलें, ये हमारी ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।